तो शकल के शादी में क्या काम? ये क्या बात की तूने? मुंह पे सहरा, अंदर अंधेरा, बाकी काम मेरा। शकील, शकील, तू कहाँ चला गया? शकील, भीगे होंठ तेरे। बच्ची पे इल्जाम लगा रहे, जो कसूरवार है उसको नहीं पकड़ रहे। कहाँ था तू? कब से तुझे ढूंढ रही हूँ मैं। क्यों, मैं रोजगार हूँ? रोजगार की तो बात नहीं करना। आज तक तूने कोई काम किया? काम मैं नहीं कर रहा, काम हम। अबे कितना बुरा लगेगा, मैं अकेला काम कर रहा हूँ पूरे पाकिस्तान में, सब घूम रहे, अजीब ही लगेगा, सब धोखे दे रहे, मैं काम कर रहा हूँ। बकवास अपनी बंद कर, नौकरी क्यों नहीं करता? मैं गया था इंटरव्यू देने, फिर मैं रखते ही नहीं हूँ नौकरी पे। क्यों? मैं एक जगह इंटरव्यू देने गया, वहाँ एक आदमी पहले से बैठा था, मैंने कहा यार तुम जो भी जवाब दो ना मुझे आके बता देना। उसने कहा ठीक है। वो अंदर गया, उससे सवाल जवाब शुरू हो गए। उससे पूछा बताओ पाकिस्तान कब बना? उसने कहा जद्दोजहद आज़ादी से 14 अगस्त को वजूद में आया। उन्होंने कहा गुड, ये बताओ सिंध का गवर्नर कौन है? बोला उसे कई आएगा लेकिन आजकल सोमरू साहब है। उन्होंने कहा गुड, ये बताओ साइंसदान चांद में मकान बनाने, साइंसदान कामयाब हो जाएंगे? बोले साइंसदान बैठे हैं, बात पक्की नहीं हुई। वो जवाब दे के आया बाहर, मैंने कहा हाँ भाई क्या क्या बोला तूने? बोले उन्होंने सवाल किया, मैं कहा सवाल छोड़ जवाब बता खाली। उसने बोले मेरे को जवाब बताया। बोले बेटा मैंने जवाब दिया जद्दोजहद आज़ादी से 14 अगस्त को वजूद में आया, मैंने याद कर लिया। मैंने कहा दूसरे का बता। बोले वैसे तो कहीं आएगा लेकिन आजकल सोमरू साहब है, वो याद कर लिया मैंने। मैंने कहा तीसरे, बोला बोले साइंसदान बैठे बात पक्की नहीं हुई। मैं जवाब याद करके अंदर गया हूँ खाला, मुझसे सवाल आते उल्टे हो गए। जाके तो पूछ रहा भाई कब पैदा हुआ था। मैंने भी कह दिया जद्दोजहद जारी थी 14 अगस्त को वजूद में आया। अब क्या हो गया? मैंने कहा देना नौकरी दे, सही बोल रहा हूँ मैं? कह रहे तेरे बाप का नाम क्या है? मैंने कहा उसे कहीं आएगा लेकिन आजकल सोमरो साहब है। अबे तू पागल तो नहीं है? मैंने कहा नहीं, साइंसदान बैठे बात पक्की नहीं है। उन्होंने नौकरी दी ना कोई छोकरी दी, धक्का दिया सिर्फ उन्होंने मेरे को। मैं आ गया, फिर मैं दूसरी जगह इंटरव्यू देने गया। फिर क्या हुआ? वो दूसरी जगह इंटरव्यू देने गया ना, तो वो कहने लगे इंटरव्यू में पास हो गया मैं। हाँ, मैं कहा नौकरी बताओ। बोले तनख्वाह तेरी 1 लाख है। मैं खुश हो गया। मैंने कहा काम बताओ। बोले कुछ नहीं, समुद्र के बीच में तय में जाना, इंडिया पाकिस्तान की मच्छियाँ अलग करनी है। ये किसी का बाप नहीं कर सकता ये तो। बोले हो सकता है। मैंने कहा कैसे करूँ? कह रहे सलाम करना जो वालों को सलाम करे पाकिस्तान की तरफ कर लो, नमस्ते करना जो उधर का उधर कर दो। मैंने कहा रहने दो, फिर कम से कम मच्छियाँ मिल के रह रही, इनको तो मिल के रहने दो, पूरी दुनिया में नफ्स नफ्स फैली हुई है। फिर मैंने छोड़ दिया। ये बहुत अच्छी बात की। हाँ, फिर मैंने नौकरी छोड़ दी। छोड़ दी? हाँ, फिर मेरे से काम नहीं होता है। नहीं होता? नहीं होता, मैं काम नहीं करूँगा। देख तू ऐसा कर, हाँ तू शादी कर ले। मैं नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? बच्चे हो जाते हैं भाई। अरे तो बच्चे ही होंगे, कोई तरबूज या खरबूजा तो होने से रहा। बात तो तुम्हारी भी सही है, टेक्निकल बात की है तुमने खाला। देख मैं इसलिए कह रही हूँ तू शादी कर ले, हो सकता है तेरी बीवी जब घर पर आ जाए तो उसकी खातिर नौकरी कर लेगा। अबे मैं नहीं कर रहा शादी। क्यों नहीं कर रहा? अबे शुरू में 6 महीने इज्जत होती है सिर्फ मियाओं की, बाद में तो मियाओं मियाओं हो जाते हैं ये। शुरू में इज्जत होती 6 महीने, शुरू में तो जब शादी होती है ना उस टाइम भी बहुत इज्जत होती है। आपकी शादी हो रही है? 6 महीने बाद पूछो क्या है? आटा लेने आ रहा हूँ भाई, बहुत बुरे हालात है। शादी शादी से पहले अच्छा नहीं आदमी किट में घूम रहा है। क्या हाल है? ठीक हो? ओ यस, शादी हुई है ने, 4 बच्चे हुए, अदरक हो जाता आदमी। क्या हाल है? कुछ नहीं भैया, बहुत बुरे हालात है, अजीब ही हो जाता है आदमी। भाई शादी की शुरू में इज्जत होती है, बीवियाँ मियाँ की 6 महीने इज्जत करती है सिर्फ। मियाँ सोया हो जाने उठ गया डाली, सुबह के 6 बज गए, बुखार है, सो जो 1.5 साल बाद ऐसे उठाती है जैसे स्टेशन पे पुलिस वाला कुत्ते नहीं उठाता, उड़ वो भी बेचारा उतरा, तब ये सोच रहा था कुत्ता मैं हूँ, कुत्ता पन ये कर रहा। ये शुरू में इज्जत होती है शादी के, तो लड़कों को भी तो तू देख ले। मैं क्यों देखूं? मैं लड़की देखूं? मैं लड़का देखूं? मिसाल दे रही हूँ। मिसाल ही देना, कभी पैसे नहीं देती नगद। किस बात के पैसे? तू ऐसे खाला बन गई तुम। खाला बन गई मेरी अम्मा की बहन, मेरे अम्मा के घर पैदा क्यों हुई थी तुम? पैसे तो देती नहीं हो तुम। अम्मा के घर क्यों पैदा हुई थी? फालतू की ना तुम बातें मत कर,
मैं ये कह रही हूँ लड़कों को भी, तू तो देख कैसे लड़कियों को झांसा देते हैं शादी से पहले, कहते हैं जानू तुम्हें मैं अपने पलकों पे बिठाऊंगा, तुम्हारी खुशी की खातिर मैं अपने आप को बेच दूंगा। लड़के सियाने होते हैं भैया, बोल बच्चन नहीं करा तो सेट होंगी लड़कियाँ। ये लड़कियों को सोचना चाहिए, वो कहता मैं पलकों पे बैठाऊंगा, वो मान जाती है, पलकों पे किसी का बाप भी बैठ के दिखा दे। अबे टेबल है कुर्सी, उस पर बैठ बहन, पलकों पे बैठा ना, अगर लड़कों ने बैठा ना लड़कियों ने बैठना शुरू कर दिया ना, आधे पाकिस्तान के लड़के कहाँ घूम रहे होंगे, एक ही फाटक खुली हुई होगी। लड़के भी तो बोल बच्चा नहीं, इसलिए करा था ना बेचारा, वो लड़का कहेंगे भाई मैं तीन अट्टी के पुल के नीचे जुग्गी में रहता हूँ, शादी करोगे? बोले चला आई है शक्ल देखिए अपनी। अरे वो बोलते ना अपने आप को बेच के, ये लड़के बड़े सियाणे हैं, जब बुरा वक्त आता सबसे पहले बीवी का जेवर बेचते, दे दो ना मैं तुम्हें बाद में दिला दूंगा, ऐसे दिलाऊंगा उससे अच्छा दिलाऊंगा। यही तो करते हैं लड़के, सारी जिंदगी बच्ची आर्टिफिशियल ज्वेलरी पे गुजारा करती है। वो भी तो बड़े चालाक होते हैं ना, ऐसी हरकतें करते हैं वो भी। तो क्या है लड़की, लड़की है क्या? अरे लड़की क्या मतलब, लड़की क्या है, एक लड़की एक लड़के के लिए अपना घर बार माँ बाप बहन भाई सब छोड़कर आती है। हाँ तो आके फिर उसके माँ बाप बहन भाई रिश्तेदार छोड़वा भी तो देती है, बदले लेती है बदले, रिवेंज। जानू मुझे एक कमरे का दिला दो, मैं रह लूंगी एक कमरे को, और फिर 12 कमरे वाले फ्लैट में जाकर रुकती है मनोज मारी। ये अपनी बकवास बनकर तू आखिर शादी क्यों नहीं करता? मैं नहीं करूंगा शादी। सुन अगर तुझे ना कोई लड़की पसंद है ना मुझे बता दे, सारी बातचीत कर लूंगी उससे। चलो फिर मिला फोन। फिर फोन क्यों, किसको मिलाऊं? ट्रंप को। ट्रंप? डोनाल्ड ट्रंप नहीं है, उसके देश की लड़की है। कौन है? अंजेलिना जूली। ये कौन है? ये छोटा मोटा रोल करती है बॉलीवुड में हीरोइन का। हाँ वो हीरोइन नहीं है, वो जो आई थी एक दफा, उससे करा दो। अंजेलिना जूली से। लोगों का पेट खराब होते तो सुना था। हाँ मुझे तो लगता है तेरा दिमाग ना, तेरे दिमाग में बदहजमी चल रही है। अंजेलिना जूली तुझे तो ना मूली की जरूरत है, शक्ल देखी आईने में तूने? अच्छा शक्ल के शादी में क्या काम? क्यों कॉन्फिडेंस होना चाहिए? ये क्या बात की तूने? मुंह पे सहरा अंदर अंधेरा बाकी काम मेरा। अगर शक्ल से शादी हो ना तो ये फिल्म इंडस्ट्री में ना बॉलीवुड और ये यहाँ डॉलीवुड यहाँ के बहुत सारों की नहीं होती। क्यों नहीं होती? लोगों ने शादी की है। रंगीले साहब की तो कभी नहीं होती, अगर शक्ल से शादी होती तो अजीब ही थे वो। शादी की उन्होंने 4, वो तो दुनिया में औरत खत्म करने उतरे थे, खत्म किए निकल गए। बॉलीवुड में बहुत सारों की नहीं होती। कैसे नहीं होती, क्या बात कर रहे थे, लोगों की हुई है शादी? नाना पाटेकर की हुई थी, बड़ा सीन हुआ था। क्या हुआ? शादी हुई ना कमरे में गए, फिर बीवी का घूंघट उठा के कह रहे आ गई लालची औरत मेरे घर पे कब्जा करने, हाँ आ गई। अच्छा है मेरे बाप के जायदाद खाएगी, आ गई ना। वो खिड़की कूद के भागे, बोले बाहर आ गए। डरा दिया उसको तो। ओए सनी देओल की शादी हुई, घूंघट उठा के एक ही बात बोल रहा हूँ। क्या बोला? यार 2.5 किलो का हाथ है, लड़की कोमा में चली गई, कहीं मार ना दे। कैसी बात? राजकुमार साहब थे ना, उनकी तो पहले दिन तलाक हो गई थी। क्यों पहले दिन? क्यों? वो घूंघट उठाने के लिए जाके बोले लड़की को, सुनो जानी घूंघट उठाओ, हम राजकुमार हैं। लड़की शर्मा के नहीं उठाया, फिर छोड़ दी उन्होंने। अरे इस बार छोड़ दी? हाँ मैंने पूछा क्यों छोड़े, बोले हम समझ गए ये औरत काम चोर है। घूंघट ना उठाया तो काम चोर है। वो बचपन में भी ऐसा ही था वो राजकुमार साहब। हाँ तुझे कैसे पता? स्कूल में मास्टर ने पूछा ना, राजकुमार सवाल ये है, कह रहा लिख लो मास्टर गेट ऑफ इंडिया। उसने कहा हमने सवाल तो किया ही नहीं है। कह रहा हमने जवाब दे दिया है, उस हिसाब से सवाल बना लो। क्या बात है। वो ऐसा ही था भाई, सन के आदमी थे, अजीब आदमी। हाँ भाई शाहरुख की शादी भी है, उसकी हुई थी। हाँ नहीं तो क्या मतलब, ऐसे ही घूम रहा है वो दुनिया में। अच्छा मैं समझी, क्या हो गया घूंघट कर? अरे जिसके सांस में बदबू जिसके दांत में कीड़े, कोई और नहीं। भाभी कह रही है, ओ भाई तेरी मेरी शादी हुई है, बात को हंसी में नहीं टाल। सही कहा उसने। तू शादी करेगा तो क्या कहेगा? धर्म साहब की भी शादी हुई। धर्म? हाँ वो घुसते घर है,
कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा। भाभी कह रही मैं वो नहीं हूँ। बड़ा अजीब हो गया ये सारे मसले। क्यों नहीं कर रहा तू शादी, आखिर बता दे मुझे। बता के मारा करो, तुम्हारे अंदर मर्दाना ताकत है। तुम तो एक हाथ से अखरोट भी तोड़ लेती हो। खाला पता है क्या शादी क्यों नहीं कर रहा? मेरा एक दोस्त है साइंटिस्ट, 5 साल पहले मिला था मुझे। हाँ। 5 साल पुराना दोस्त है। मैं बाया कर रहा यार शकील भाई मैं शादी कर रहा हूँ। मैंने कहा क्यों कर रहा है? कह रहा औरत को समझना है। मैंने कहा कर ले फिर। गया वो शादी कर ली उसने। एक महीना बाद मिला शादी के। मैंने कहा भाई क्या हाल है साइंटिस्ट? कह रहा ठीक हूँ। मैंने कहा शादी कर ली? बोला हाँ। मैंने कहा समझ लिया औरत को? बोला भाड़ में गई औरत, मेरी साइंस गुम हो गई, वो पता नहीं कहाँ चली गई है। भाई समझ में आता है। फिर 3 साल बाद मिला मुझे। हाँ, मैंने और सुनाओ क्या याद क्या करा? 2 किया, 1.5 साल का, 1.5 साल का। मैंने कहा क्या करो? बोला गत्ते के कारखाने में काम कर रहा हूँ आजकल। साइंटिस्ट गत्ते के कारखाने में लग गया। बोला ये तो कुछ भी नहीं है। मैं अभी 3 दिन पहले जा रहा था ना। हाँ। एक मियाँ बीवी जा रहे थे तो एक ना टन वहाँ खड़ा हुआ था शराबी। तो बीवी बोल रही मियाँ से, उसको देख रहे हो शराबी को? मियाँ ने बोला हाँ देख रहा हूँ। कौन है? बोले 10 साल पहले मेरे से शादी करना चाहता था। बोले फिर? बोले मैंने इसको मना किया, जब से शराब पी रहा है। तो उसका मियाँ उसको देख कर ओए इतना लंबा जश्न। तो दुखी हुआ ना उसका मियाँ, फंस गया जो। अल्लाह की कसम मेरा एक दोस्त खड़ा होगा ना, अभी गर्मी नहीं थी कराची में, कितनी गर्मी थी बहुत भाई। तो अल्लाह माफी, मेरे दोस्त कह रहे अल्लाह मियाँ इतनी बारिश कर नीचे की चीज़ें बाहर आ जाए। मेरा दूसरा दोस्त कह रहा हूँ अपनी दुआ वापस ले रहे, मेरी 2 बीवियाँ दफन है, वही बाहर आ जाएंगी। कर ले शादी कर ले। मैं नहीं करूँगा। तुम करा के दम लोगी? हाँ। किसी से भी करा दो फिर। किसी से भी करा दो? हाँ। तेरे बच्चे होंगे ना। हाँ। प्यारे प्यारे बच्चे देखना चाहती हूँ ना। मुझे मेरे को देख ले, मेरे कौन से शाहरुख के बच्चे होंगे या सलमान खान के होंगे? मुझे देख ले मेरी शक्ल के होंगे? नहीं नहीं तू बड़ा हो गया, छोटे छोटे प्यारे प्यारे से देख। मैं छोटा हो गया देख। मुझे बातों में ना मत टाल तू। चल खाला तेरी मर्जी है, जिससे कराना करा दे, जा है जा, तेरी मर्जी पे छोड़ा मैंने। मेरी मर्जी पे जा, 6-7 करा दे, जा। फंसाएगा क्या मुझे? 6-7 करवा दे। मेरी कराने के बाद मैं तेरी भी करा दूंगा। अकेले बुरी लगती है अब तू मुझे। अच्छा तू चल, ज्यादा बातें नहीं कर। खालू ख्वाब में आए थे। क्या कह रहे थे? कह रहे खाला को जल्दी भेज, यहाँ दिल नहीं लग रहा।